आइए तो खाइए, आइए खाइए। दोस्तों मैं हूं इस समय श्री तरन तारण साहिब में। अमृतसर से कोई ज़्यादा दूर नहीं है, पंजाब का एक ज़िला है। फेमस है क्योंकि यहां पर गुरुद्वारा साहब है, बहुत ऐतिहासिक गुरुद्वारा साहब है। लेकिन इसके साथ साथ यहां के लोग बड़े प्यारे हैं, और पता चला है कि यहां पर एक बाबा जी हैं जो पिछले कई सालों से पकौड़े भटूरे ये सारा सामान बेचते हैं, बनाते हैं। और मेरी कोशिश यही रहती है कि ऐसे जो मेहनती लोग हैं उनको आपके सामने रूबरू करूँ। तो आइए बातचीत करते हैं। इस समय मैं तरन तारण के बाज़ार में हूँ। पाजी सत श्री अकाल। ए बाजार का की नाम है? अड्डा बाजार इसको बोला जाता है। थैंक यू जी। अड्डा बाजार इसको बोला जाता है। और पता चला है कि 80 से 90 साल उम्र है बाबा जी की, और पिछले कई सालों से वो पकौड़े बनाते हैं, बहुत कुछ बनाते हैं। तो आइए वहाँ पर चलते हैं सीधे। आई थिंक मैं पहुँच गया वहाँ पर। तो भाई साहब ये हम पहुँच चुके हैं जी बाबा जी की इस दुकान पर। माइक मैंने ऑलरेडी इनको लगा दिया है मेरी टीम ने। और ये रहे जी हमारे आज के सुपर हीरो। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। की हाल चाल है? कृपा जी तुहानू लभदे आ गए। आपां देखो करे जी परवाने दा। सबसे पहले अपना नाम बताइए सभी को। वरियाम सिंह। सरदार वरियाम सिंह जी। हाँ जी। और सर उम्र कितनी है जी आपकी? मुरी है 76 साल। 76 साल की इनकी उम्र है। और सबसे पहले मैं आपको इनका सेटअप दिखाता हूँ जी। ये है जी इनका सेटअप है, दुकान है बोल लीजिए, कार्ट है वो बोल लीजिए। और ये क्या क्या है थोड़ी बातचीत अभी इनसे और मैं करूँगा। और बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अरे अरे आप हाथ के साथ ही निकाल रहे हो? हाथ ना, ऐसे हाथ जलता नहीं आपका? नहीं जलता, हाथ गर्म हो जाता। अरे वाह, तो बड़े सिंपल सा इनका देख सकते हैं आप पहरावा है, और सिंपल सी मुस्कान है, लेकिन जो काम है ये बड़ा ज़बरदस्त है जी। ये देखिए आप, ये क्या बनाए जा रहे हैं? भटूरे? भटूरा चलता है। अरे वाह। और ये देखिए जनाब, भटूरा है, बड़े साइज का भटूरा है। और ये गया जी रिफाइंड। ये रिफाइंड रहता है बाबा जी या फिर तेल है? रिफाइंड में बनाते हो आप? हाँ, रिफाइंड गौरव। बहुत बढ़िया। और किसके साथ ये खिलाते हो जी? ये चना मसाला। और ये आगे छोले दिखाइए जरा, चला के दिखाइए। ये चना मसाला है, डबल डालर छोले हैं। ये आगे बहुत बढ़िया है छोले। आइए दिखाइए, आइए खाइए। जनाब हम वीडियो बनाते हैं। हाँ। लेकिन ये वाली वीडियो मेरे लिए बड़ी मजेदार है। हाँ। क्योंकि बड़े मजेदार इंसान है मेरे सामने सरदार वरियाम सिंह जी। हाँ जी। और वरियाम सिंह जी एक प्लेट लगाइए भटूरे की। लो लग गया जी। और कितने घंटे काम करते हो रोज आप? 6 से 6 दादा सवेरे 12 घंटे। 6 से 6 12 घंटे काम करते हैं। बढ़िया है। ये आगे जी भटूरे काम बता। अरे वाह। और डालिए छोले भी, डबल डालर। डबल डालर छोले हैं, चना मसाला। वाह। और चटनी भी देते हैं साथ में? हाँ जी वाद्दू। अच्छा इसके अलावा और क्या क्या होता है मेरे को सारा दिखाइए। भटूरे के अलावा और क्या रहता है? समोसे है हमारे पास। ये आ गए जी समोसे। हाँ समोसे। ये भी खुद बनाते हो? सारे खुद बनाता, सारा सौदा आप बनाते हैं। करिए हमारे लिए 2 समोसे लगाइए आप। लग जाने। ये देखिए दुकान नहीं है, ये कार्ट भी नहीं मैं बोल सकता, छत है, कोई सराय है यहाँ पर। उसकी ये ड्योड़ी बनी हुई है जिसके नीचे इनका ये सेटअप है। और पीछे ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये बेंचेस यहाँ पर लगे हुए हैं जहाँ पर लोग आते हैं। और वरियाम सिंह जी कितने साल हो गए ये काम करते हुए यहाँ पर? हमें 40 साल हो गया। और सुनाइए तरन तारण साहब के बारे में मेरे को बताइए, अपने शहर के बारे में। गुरुद्वारा साहब कितनी दूर है यहाँ से? हाँ, इतने 50-70 दुकानें छोड़ के गुरुद्वारा पास में ही है। हाँ। अच्छा समोसे मेरे गर्म हो गए वहाँ। हाँ गर्म। लाइए लाइए उन्हें, इसको भी खा के देखो, चेक करो। ये आगे जी हमारे समोसे, देखो समोसे। ये कटंग देसी स्टाइल। ये छोले। ये आगे छोले। ये ऑरेंज रेड। ये चटनी पुदीना। ये प्याज। ये चिमचे दो, खाइए तो जस खाइए। क्या बात है, क्या बात है, बिल्कुल खाऊंगा जी। हाँ। अब ये ब्रेड का पकौड़ा दिखाओ, ये भी गर्म करो। और ये देखिए जो बाबा जी का ब्रेड का पकौड़ा है ना, इसका साइज भी बहुत बड़ा है। हाँ, ये आप बता रहे 300 ग्राम का रहता है? 300 ग्राम पीठी लगी हुई है। अरे पीठी पुदीना। पीठी और पुदीना। पीठी और पुदीने वाला। हाँ। ये भी खाऊंगा मैं। और ये आ गया जी हमारा ब्रेड का पकौड़ा। हाँ जी। और मेरे को पता लगा था वरियाम सिंह जी का जो ब्रेड का पीस है ना बहुत बड़ा होता है। अरे वाह, ये सुई के साथ निकालते हो आप? हाँ जी।
और ये हो गई जी कटिंग, कटंग इसका 10 पीस बन गया। और ये आ गया जी वरियाम सिंह जी का ब्रेड का पकौड़ा, एक पकौड़ा काफ़ी बड़ा साइज इसका रहता है, साथ में चटनी है, और जो दूसरी आइटम है वो है इनका समोसा है। तो चलिए खाते हैं, आपको बताते हैं कैसा है जी स्वाद। तो बाबा जी के पास तीन चीज़ें मिलती हैं, उनमें से दो चीज़ें ये चेक कीजिए आप। ये आ गया जी समोसा है, साथ में छोले हैं, चटनी है, और ये भी इनका बहुत खास है, बड़ा साइज रहता है, ब्रेड पकौड़ा है और अंदर फिलिंग है, आई थिंक पुदीना है वट्स एवर। और ये आ गया जी दो तरह की चटनी है। तो सबसे पहले जनाब इनका जो ब्रेड का पकौड़ा है वो खाते हैं हम। चटनी अच्छी है इनकी, मीठी वाली, वाह बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। और जो इनकी स्पेशलिटी है ना, इधर आइए ये चेक कीजिए। नॉर्मली आपको ब्रेड के पकौड़े के अंदर ये जो सॉस है पुदीने वाली, ये बहुत कम जगह पर मैंने तो नहीं देखी है, और शायद यही इनकी स्पेशलिटी है, पुदीने की चटनी है इन्होंने बताया। बढ़िया है, 40 रुपीज़ की इसकी कीमत है, और एक आप खा लेंगे तो आपका पेट भर जाएगा। बाबा जी, जी इधर आ जाइए। हाँ जी, तो जनाब बहुत अच्छा लगा इनसे मिलकर, इनका समोसा खाया, इनका ब्रेड का पकौड़ा खाया, और उससे भी जो अच्छी चीज़ लगी ना वो लगी इनकी एनर्जी, ज़बरदस्त है जी। ओके ओके, तो जनाब जब भी आप श्री तरन तारण साहब में आएँ, इस जगह पर आइएगा, डिस्क्रिप्शन में इसका एड्रेस भी दे दूंगा। इसको सराएँ बोला जाता है, बाज़ार कौन सा था ये? अड्डा बाज़ार। अड्डा बाज़ार वरियाम सिंह जी पकौड़े वाले अपने आप में लैंडमार्क हैं। आइएगा, बातचीत कीजिएगा, समोसे खाइएगा, भटूरे खाइएगा, और माथा भी जरूर टेकेगा। हम भी वहीं पर जा रहे हैं, प्यार ऐसे देते रहिए। लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया लग गया।